हेलो, यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। यूपी टेट 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से किया जाएगा, तो अगर आप यूपी टेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो थोड़ी होशियारी से भरिएगा, क्योंकि आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बोर्ड ने कहा है कि आप दोबारा फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते हैं, मतलब दो आवेदन नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो यानी कल से 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 22 दिसंबर 2019 को आपकी परीक्षा होगी यूपी टेट की। आपको पता है, आप अगर 69,000 में शामिल है तो भी आप इस परीक्षा को जरूर दीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा। ओके, सचिव ने उत्तर प्रदेश की ओर से जारी सूचना में कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण 1 नवंबर से शुरू होगा और 20 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और अभ्यर्थी जो निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क 21 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को अपना आवेदन का प्रिंटआउट 22 तक रखना है, ले लेना है। सचिव ने बताया कि एक बार आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज प्रवृत्तियों में संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फिलहाल बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म फिलअप करना है। सचिवकर्ता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए पहले क्या होता था, दो दो फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। आपके एक ही फॉर्म में सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपको निर्धारित शुल्क जो है उसका देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए सचिवकर्ता आवेदन शुल्क की सारी संबंधित जानकारियाँ जो है आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, updlaed.gov.in पर। NIC की ओर से जारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण फॉर्म आवेदन शुल्क जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक, मतलब सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। अदरवाइज आपको हम अवेलेबल करा भी देंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर दे भी दी जाएगी। इसमें आप देख लीजिए, 1 नवंबर से स्टार्ट है, 20 तक आपको ऑनलाइन आवेदन जरूर से कर देना है। 21 तक आप 20 से पहले ही सारा काम कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट के लिए 21 का वेट करने की क्या ज़रूरत है। 22 तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम की डेट है 22 दिसंबर, और ये समझ के कि आपको लास्ट बार यूपी टेट देना है, समझ लीजिए। आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करिए, अपीयर जरूर होइएगा और फॉर्म जरूर भरिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करिएगा। ओके, थैंक यू।